कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोरिलेशन का मतलब कि दो या दो से अधिक चीजें आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। कोरिलेशन दो से या दो से अधिक के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, और रिलेशनशिप है तो कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अब सपोज करिए कि दो वेरिएबल हैं प्राइस, एक है प्राइस और एक है डिमांड, क्लियर। अगर प्राइस बढ़ रही है, तो डिमांड में क्या चेंज हो रहा है? अगर डिमांड भी बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, क्लियर। लेकिन अगर प्राइस घट रही है, डिक्रीज हो रही है और डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप ही होगा। लेकिन सपोज करिए कि प्राइस जो है वो क्या है, वो बढ़ रही है और डिमांड क्या है, डिमांड घट रही है, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, ये रिलेशनशिप वो निगेटिव। ये क्या हुआ, निगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप जो आप कहते हैं। तो प्राइस घट रही है, डिमांड प्राइस बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, तो क्या हो गया, निगेटिव रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से प्राइस घट रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। यानी कि जब अपोजिट चलेंगे, दो चीजें हैं दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे घट रही हो तो दोनों ही घट रहे हैं, और दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव हो गया, दूसरा इंक्रीज हो रहा है और पहला डिक्रीज हो रहा है तो ये भी निगेटिव हो गया। तो यही चीज फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेटिस्टिकल में कोरिलेशन का यूज करते हैं। तो कोरिलेशन में जो है तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप जो है कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है स्कैटर डायग्राम, और दूसरा होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, और तीसरा होता है स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट, क्लियर। ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू जो है आप जो है कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपको कैलकुलेट करना होता है डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके सामने सपोज करिए कि दो सीरीज दी गई हैं, एक्स और वाई, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। तो बर्थ रेट को आप एक्स मानेंगे, डेथ रेट को आप वाई मान लेंगे। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, इनका मीन निकालना है, कैलकुलेट मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास दो सीरीज दी होंगी एक्स और वाई, उनका जो है आपको मीन निकाल लेना है। मीन समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और इसका क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, वो आपको मीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स निकालना है, डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब सपोज करिए कि एक्स में जो वेरिएबल्स हैं उसका डिवीजन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम मीन, हम कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम मीन, यानी कि मीन से कितना डिविएट कर रहा है एक्स का वेरिएबल। इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या करेंगे, वाई का निकालेंगे, सिमिलरली वाई का, तो वाई का कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार, अभी हम आगे कैलकुलेट करके दिखाएंगे एग्जाम्पल में। तो डिविएशन ऑफ वेरिएबल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी एक्स, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी वाई, क्लियर। डी एक्स यानी कि डेविएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स फ्रॉम मीन, डी वाई का मतलब डेविएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ वाई फ्रॉम मीन ऑफ वाई, क्लियर। फिर जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों तीसरा स्टेप आता है कि आपको जो है इसका स्क्वायर लेना है, यानी कि स्क्वायर करना है किसका, डेविएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स फ्रॉम मीन एंड डेविएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ वाई फ्रॉम मीन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्लियर। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप आता है कि आपको जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, डी एक्स और डी वाई, क्लियर। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डी एक्स एंड डी वाई, यानी कि जो डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल है और डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल है फ्रॉम मीन, इनको जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। फिर सबका समीशन आपको निकाल लेना होगा, और लास्ट में जो फिर आपको पांचवा स्टेप है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है सेवन कॉलम्स बनेंगे, कौन कौन से, जो सबसे पहला बनेगा आपका, एक तो आप सीरीज लिखेंगे एक्स, उसके बाद आप इसका क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से आप जो है वाई के साथ भी काम करेंगे, वाई का क्या निकालेंगे, पहले डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल्स ऑफ, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, डी एक्स डी वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही चीज़ें हमने स्टेप्स में बताई हैं कि पहले आपको मेन निकालना है, मेन निकालने के बाद उसका डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दीजिए। वाई सीरीज है तो वाई सीरीज का मेन निकाल के उसका जो है डेविएशन कैलकुलेट करिए, फिर उसका उसको स्क्वायर कर दीजिए, और फिर उसको है डी एक्स डी वाई, यानी इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे सीरीज लिखने की, नीचे समीशन लिखना होगा, ठीक है। अब बात कर लें फॉर्मूला की, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला है आर
इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ वाई। क्लियर। वहीं पे आप इसको चाहे तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या है, आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट जिसको आप कहते हैं, समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई। तो दोनों ही मेथड क्या है, ये क्या है, दोनों मेथड, दोनों ही मेथड डायरेक्ट मेथड है, दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला है को कार्सपियसन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्ट मेथड हम यूज़ कब करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो ये मीन होता है ना, मीन ऑफ एक्स और वाई, ये जो है होल नंबर में हो, किसमें, होल नंबर हो यानी इंटीजर्स में हो, क्लियर, राउंड फिगर में हो, तो फिर हम जो है ये डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये आसानी पड़ता है। लेकिन अगर ये मीन जो है फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं कार्सपियसन का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे मीन क्या होगा, वो होल नंबर में होगा, तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर। और यहाँ पे याद रखें कि डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो डी एक्स और डी वाई होता है, जो डेविएशन आएगा, ये डी एक्स और डी वाई, ये क्या होगा, इसका समीशन क्या होगा, जीरो ही होता है। क्लियर। तो अब जो है हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो बर्थ रेट है 24, 26, 32, 33, 35, 30 एंड डेथ रेट है 15, 20, 22, 24, 27, 24। तो यहाँ पे आप एक को क्या मानेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे y। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आप सेवन टेबल, आपको जो है सेवन कॉलम का टेबल जो है बनाना होगा। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे x, आपने क्या लिखा x, अब x का जो है आप वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x में क्या क्या वेरिएबल्स थे, 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। क्लियर, यही वेरिएबल्स थे x में, क्लियर, जो आपका बर्थ रेट दिया गया था। अब जो है आपको इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30। तो आपका जो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180। ये क्या हो गया, आपने ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, समीशन x, समीशन x। अब आपको अगला काम क्या करना था, मीन निकालना था, किसका, x का। तो x का मीन क्या होगा, समीशन x डिवाइडेड बाई n, फॉर्मूला ही होता है। तो आपको क्या करना है, 180, समीशन x कितना है 180, आपने 180 यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाई n, n क्या है, नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 30। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30, तो मीन क्या आ गया 30। अब अगला स्टेप हमारा क्या था कि आपको जो डेविएशन ऑफ x वेरिएबल फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना था, यानी कि आपको क्या करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है, डी एक्स यानी कि x माइनस x बार। तो x क्या हो गया ये और x बार क्या हो गया ये, अब सभी के सामने उसमें से माइनस करके आपको 30 को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, यानी कि 24 माइनस 30 कितना होगा माइनस 6, 26 माइनस 30 कितना होगा माइनस 4, 32 माइनस 30 कितना होगा प्लस 2, इसी तरीके से 33 माइनस 30 कितना होगा प्लस 3, 35 माइनस 30 प्लस 5 और यहाँ पे 30 माइनस 30 जीरो। तो आपका यहाँ पे समीशन जब आप इनको पूरा जोड़ेंगे माइनस 6 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो आप देखेंगे कि क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा। 5 3 8 2 10 और 6 4 10, तो 10 माइनस में 10 पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर। इसी तरीके से अब अगला स्टेप क्या था कि आपको इसका स्क्वायर भी लेना है, किसका, जो डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल है उसका स्क्वायर भी, यानी कि क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे है इसका स्क्वायर लेना है, तो अब स्क्वायर लेना है तो आपको क्या करना है, 6 6 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 36। क्लियर। 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 0 का 0 रहेगा। फिर आपको जो है इसका भी समेशन यहाँ पे निकाल लेना होगा, तो इसका जो आएगा क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 90, यानी 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 आएगा आपका 90। इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन डी स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया समेशन डी एक्स। क्लियर। समेशन डी एक्स क्या है, जीरो ही है। क्लियर। इसी तरीके से अब जो है आपको वाई का कैलकुलेट कर लेना है, वाई के वेरिएबल्स आप लिख लें, वाई के वेरिएबल्स जो आपके पास क्या क्या थे, दैट इज 15, फिर उसके बाद 20, फिर 22, फिर 24, देन 27 एंड देन 24 अगेन। क्लियर। तो अब आपको जो है क्या कैलकुलेट करना है, पहले इसको मेन निकालेंगे, तो इसका पहले आप ऐड कर लेंगे 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 27 24, तो आपका जो आएगा टोटल 132। क्लियर।
अब आपका y का मीन क्या हो जाएगा, y का मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, तो समेशन ऑफ y आपका क्या गया 132 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 22। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो x मीन है, x का मीन है, y का मीन है, ये क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपके पास ये मीन आ गया। अब जो है आपको क्या करना है, डेविएशन ऑफ y वेरिएबल्स फ्रॉम मीन निकालना है, यानी कि डी वाई आपको कैलकुलेट करना है। डी वाई कैसे, वाई माइनस वाई बार, यानी कि वाई माइनस मीन ऑफ वाई। तो 15 माइनस 22 कितना होगा -7, 20 माइनस 22 कितना होगा -2, 22 माइनस 22 कितना होगा 0। फिर उसके बाद इसी तरह से आप जो है कैलकुलेट करते जाएंगे, तो +2 आएगा, +5 आएगा और +2 आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। देखिए 7 2 9, यहाँ पे 5 2 7 2 9, तो 9 माइनस और 9 प्लस, तो क्या हो जाएगा 0। अब अगला काम क्या है आपका, इसका डेविएशन निकालना, यानी कि स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर निकालना। क्लियर? तो स्क्वायर 7 7 जा 49, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 0 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4। तो अब आपको जो है इसको भी ऐड कर लेना है। इसको जब आप ऐड करेंगे 49 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4, तो आपका आंसर आएगा कितना, 86। क्लियर? 86 आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब अगला काम क्या है आपका, आपने x का भी जो है डेविएशन ऑफ x निकाल लिया, उसके बाद उसका स्क्वायर कर लिया, y का भी जो है आपने डेविएशन निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई, यानी कि डी एक्स इंटू डी वाई करना था। क्लियर? तो अब डी एक्स डी वाई को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डी एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यानी 6 × 7, तो कितना हो जाएगा 42, और साइन प्लस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। 4 × 2 कितना हो गया, 4 2 8, 2 × 0 क्या होगा 0, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, एंड 0 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका डी एक्स डी वाई। अब इसका भी जो है आपको समीशन निकाल लेना है, समीशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 42 + 8 + 6 + 25, आएगा आंसर 81। क्लियर? तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज मीन आ गया, मीन कितना है आपका x का 30, y का मीन कितना है 22। क्लियर? समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर ऑफ x कितना है 19, इसी तरीके से y के स्क्वायर समेशन, इसी तरीके से जो डेविएशन ऑफ y है उसका स्क्वायर का कितना वैल्यू है, दैट इज 86। क्लियर? और समीशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है, 81। क्लियर? ये आपके पास वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला जो आपको पता था, फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या फिर आप जो है दूसरा फॉर्मूला लगा सकते थे, r इज इक्वल टू क्या है, समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट और अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन डी स्क्वायर ऑफ वाई। क्लियर? आप इन दोनों फॉर्मुलों का ही यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आर इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई यानी कि 81 डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब कि नंबर, तो हमारे पास कितने नंबर थे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज हम 6 पुट कर देंगे। क्लियर? इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे साइड में इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो इसका क्या आएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी कि डेविएशन ऑफ वाई एक्स का हम कैलकुलेट करें, डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो यहाँ पे क्या है डिवीजन ऑफ स्क्वायर का, डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना है, जो हमारे पास वैल्यू आती है 90, और डिवाइड बाई एन कितना है 60, यानी ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पे 3.87। इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिवीजन ऑफ वाई का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 86 है डिवीजन का डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे आएगा ऑप्शन आंसर 3.79। तो यही वैल्यूज, दोनों वैल्यूज हैं वहाँ पे हमें पुट कर देनी है, तो हम यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं पुट करेंगे, तो 6 × कितना हो जाएगा, दैट इज 3.87 आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, और वाई का आया 3.79। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81, और नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88, यानी कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +0.92।
ये जो है आयात, ये देखिए प्लस में है, प्लस में है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करके, ये जो ये वाला फॉर्मूला है इसको यूज़ करके आप कैलकुलेट करें, तो ये तो देखो बहुत सिंपल सा है। आर इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू क्या थी 81, आपने यहाँ पे 81 रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, नीचे स्क्वायर रूट समीशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी 90, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 90 इंटू समीशन ऑफ स्क्वायर डिवीजन ऑफ वाई, स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ वाई, तो इसकी क्या वैल्यू थी दैट इज 86। अब 86 यहाँ पुट कर देंगे तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 81 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7740, इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो 81 स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 87.98 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आएगा, +0.92। तो दोनों से ही क्या हुआ, सेम आया +0.92, यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि कोफिशियंट कॉरिलेशन क्या है, यहाँ पे भी +0.92 आया इस मेथड से भी। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, अगर परफेक्टली पॉजिटिव होता तो क्या होता, +1 होता, लेकिन यहाँ पे 0.92 है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और हाई वाला पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके। तो होप आपको समझ में आओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।